क्योंकि आप बहुत फिट हैं फंक्शनल ट्रेनिंग प्रेफर करते हैं क्रॉस ट्रेनिंग प्रेफर करते हैं या रनिंग या कार्डियो या स्विमिंग किस तरह का वर्कआउट आप पसंद करते हैं मैं आ, करना तो चाहता हूं स्विमिंग लेकिन कर नहीं पाता हूं लेकिन क्योंकि अभी मैं समर्स में स्टार्ट करूंगा फिर से स्विमिंग बट मैं कार्डियो का दीवाना हूं एंड कार्डियो मीनिंग स्पिनिंग 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 बहुत करता हूं मैं और कई सालों से करता आया हूं तो स्पिनिंग ही अब मेरा मेजर वर्कआउट है मैं मैंने बीच में वो वेट्स वगैरह करने अब छोड़ी दिए लगभग एक ज़माने में बहुत करता था तो उससे क्या होता है इंसान बहुत ज़्यादा बल्कअप हो जाता है वो तो मेरी बॉडी ज़रा है ऐसी कि मैं बहुत बल्कअप हो जाता हूं। वो आजकल की ना फिल्मों में ना सीरियल में उस तरह का बल्कअप पसंद नहीं है ज़्यादातर लीन ही होना चाहिए और वैसे भी मैं कार्डियो कार्डियो ही अच्छा होता है बॉडी के लिए तो मैं स्पिनिंग बहुत ज्यादा करता हूं व्हिच इज अगेन अ वेरी डिफिकल्ट एक्सरसाइज सर क्योंकि आप इतना शूट करते हैं बैक टू बैक आपका जो स्कीड्यूल है वो बहुत ज्यादा बिजी रहता है तो शूटिंग के दौरान पे आप अपने वर्कआउट्स और अपने मील्स को कैसे मैनेज करते हैं मतलब क्या आप घर से खाना लेके जाते हैं एंड हाउ डू यू मैनेज योर वर्कआउट्स ड्यूरिंग योर शूट्स शूट्स में मैं अगर मेरी सुबह सात बजे की भी शिफ्ट है तो मैं चार बजे उठ के या पाँच बजे उठ के पहले कार्डियो करता हूँ उसके बाद ही मैं जाता हूँ जा. देट रिलीजियसली आई फॉलो वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वाटर रिटेंशन के बगैर मज़ा नहीं आता आपको ब्लोटेड फीलिंग आती है कि आप ब्लोटेड blo, फील करते हो तो मैं हमेशा मेरी आदत है कि जब भी मैं कितने भी बजे की शिफ्ट हो मैं कार्डियो करने के बाद ही शूटिंग पर जाता हूँ दैट इज़ द मस्ट फूमी सर आप बॉडी वाइज बहुत ज़्यादा फिट हैं आपकी फिटनेस इतने सालों से बरकरार है अब जब मेंटल फिटनेस की बात करते हैं तो मैंटली uh, अपने आप को फिट रखने के लिए आप क्या करते हैं बिकॉज आपके प्रोफेशन में फोकस कॉन्सेंट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो वट डू मेंटल फिटनेस के लिए मेरा ऑक्सीजन है म्यूजिक क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ उस फैमिली से म्यूजिक music से म्यूजिकल फैमिली से तो मैं म्यूजिक ही सुनता हूँ और थोड़ा शौकिया कभी गा लेता हूँ गिटार विटार बजा लेता हूँ कुछ ऐसा कुछ करता हूँ अपने आप को मसरूफ रखता हूँ और ताकि क्योंकि ये जो प्रोफेशन है जैसा कि आपने कहा इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोफेशन इट्स नॉट ईजी टू बी एन एक्टर लोग समझते हैं कि भाई आसानी से जाओ और बॉम्बे में कोई भी ब्रेक दे देगा दे और आप एक्टर बन जाओगे ऐसी बात नहीं है आ, बहुत सी इंसान को परेशानियों से छूझना पड़ता है तरह तरह के लोग मिलते हैं आपको ये आई थिंक एक्टिंग इज़ अ वेरी टफ प्रोफेशन आप किसी और कैरेक्टर में जाते हो या जाते हो तो अपने जहन को अपने माइंड को बहुत यू हैव टू ऑलवेज बी देयर यू नो आप आउट फोकस में नहीं चल सकते तो उसके लिए मैं म्यूजिक ज़्यादा करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि कंपनी अपनी अच्छी रखूँ ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं इंसान को चाहे वो रीडिंग हो चाहे वर्कआउट हो चाहे आ, न, कोई भी और हॉबी हो कोई ना कोई एक हॉबी इंसान को रखनी चाहिए जिसमें इंसान अपने आप को मुबला रखे उसकी वजह से आपका दिमाग सही रहे सब्सक्राइब फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोज़